हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल नए तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बैंगन की सब्ज़ी। आप ये रेसिपी अपने घर पर जरूर ट्राई करें, आपके घर में सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 4 मीडियम साइज़ के बैंगन और अब इसको बीच से कट करना है। इसका जो डंठल है उसको नहीं तोड़ना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से इसको कट करना है। और ये मैंने सारे बैंगन को बीच से कट कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1 चम्मच रेड मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच हल्दी। और अब इसको अच्छे से कोट कर लेना है, बिल्कुल हल्की सी कोटिंग आ जाए बस इस तरह से मिक्स करना है। और ये मैंने मसाला को अच्छे से मिला दिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बैंगन को फ्राई करने का। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल में बैंगन का सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब सारा बैंगन को इसमें फ्राई करना है, एक बार अच्छे से मिला देना है इसको और फिर 2 मिनट के लिए कवर कर देना है मीडियम हीट पर। तो अब मैं बैंगन को ढक दे रही हूँ 2 मिनट के लिए मीडियम हीट पर। और ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, बैंगन का एक पोर्शन अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसको पलट रही हूँ, तो एक एक करके इसको पलट देना है। बैंगन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 70-80% तक ही फ्राई करना है। तो अब इस दूसरा पोर्शन को भी सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम हीट पर। और ये देखिए बैंगन फ्राई हो चुका है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है और अब बैंगन को उठा के अलग जगह रख ले रही हूँ। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बैंगन में थोड़ा सा कट करने का। तो हर एक बैंगन में थोड़ा सा कट करना है। इस प्रोसेस से बैंगन के अंदर तक मसाला जाएगा और बैंगन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और अब मैं वापस उसी कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल है उसमें डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता, 1/2 चम्मच 5 फोड़न और 2 कटा हुआ हरी मिर्च। एक बार इसको मिला देना है। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट। अब प्याज के पेस्ट को भी 2 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम हीट पर। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक और लहसुन। तो इसको भी कम से कम 1 मिनट के लिए मीडियम हीट पर फ्राई करना है। और अब इसमें थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ। नमक ऐड करने से प्याज बहुत जल्दी गलने लगता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। और यहाँ 2 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। अब टमाटर को तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गल के मसाला में मिक्स ना हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हो टमाटर गल गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच एवरेस्ट का सब्जी मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो अब इन मसाला को 1 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करना है। और अब मैं यहाँ थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और यहाँ आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब मैं यहाँ ग्रेवी के लिए कम से कम 80 ml जितना पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आपको ग्रेवी का कंसिस्टेंसी जितना चाहिए उस हिसाब से। तो अब इसको एक बार हाई फ्लेम पर बॉयल कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हो ग्रेवी बॉयल हो रहा है। तो अब इसमें ऐड करना है फ्राई किया हुआ बैंगन को। और ये मैंने सारा बैंगन को इसमें डाल दिया है और अब इसको धीरे से हल्के हाथों से थोड़ा पलट देना है ताकि ग्रेवी अंदर तक समा जाए। और ये मैंने सारे बैंगन को अच्छे से पलट दिया है और अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हीट पर पकने देना है ढककर।
और ये देखिए 4 मिनट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया सा हमारा बैंगन का मसाला बनके तैयार है और बैंगन बहुत ही अच्छे से पक गया है और ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो मिला दें इसको धीरे धीरे, सावधानी से मिलाना है ताकि बैंगन टूट ना जाए। और ये हमारा बैंगन का मसाला तैयार हो गया है। इसे आप रोटी, पूरी, पराठा, चावल किसी के भी साथ खा सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।